हेलो दोस्तों, आर्यन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नई एमआर का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। पहला प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है हमारे पास में 1 का कौन से युग, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और लोहा युग। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है ए, वो क्या है, इसका राइट है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी, वो कांस्य युग की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो ऑप्शन में हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है कि मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, इसका राइट है। जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? वो चिकित्सा से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, इसका राइट है। यानी कि तक्षशिला है वो क्या है, इसका आंसर राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में या फिर भगवद गीता में या उपनिषद में? तो जिसका ऑप्शन नंबर है सी वो क्या है, राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या सही है। कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कोई नहीं? तो जो इसका ऑप्शन नंबर है सी वो क्या है, इसका राइट है। यानी गुप्त वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी, वो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? वो श्रीगुप्त ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मुंद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन था? ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीटेड है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन था। ऑप्शन में है विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट और कलहन। तो जो मुद्रा राक्षस है किसके द्वारा लिखी गई है, वो विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखदत्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर रामपाल? तो जो इसका ऑप्शन नंबर है बी वो क्या है, राइट है। जो पाल वंश का संस्थापक है वो कौन था, धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि चोल, पांड्य या फिर चेर और पल्लव। तो शक्तिशाली जो शक्तिशाली सेना थी वो किसके पास थी, चोल के पास थी। किसके पास थी वो, चोल के पास। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है सी वो क्या है, इसका राइट है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कल्पक्कम विद्युत संयंत्र स्थित है। तो कल्पक्कम विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में जूट का अधिकतम उत्पादन कहाँ पर है। भारत में जूट का अधिकतम उत्पादन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, इसका राइट है। यानी कि जूट का अधिकतम उत्पादन कहाँ पर होता है, वो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो जो भारतीय रेलवे है वो कितने जोन में विभाजित है, वो 17 जोन में विभाजित है। कितने में? 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। कृषि कर है वो क्या है, संघ सरकार के द्वारा नहीं ले जाता, किसके द्वारा ले जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से कि सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की थी, सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की थी, गैलीलियो, जेलबेड, कोपरनिकस या फिर कैप्लर। तो जो सौर मंडल प्रणाली की खोज है वो किसने की थी, वो कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ब्लू मून क्या है, महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम या फिर चंद्र ग्रहण का चांद। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2 times ये एनडीए में भी पूछा गया है क्वेश्चन, 2012 में और 2014 में। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है बी वो क्या है, इसका राइट है, यानी कि महीने का जो दूसरा पूरा चांद होता है उसे बोलते हैं ब्लू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है ए वो क्या है, राइट है। जो भूमध्य रेखा है वो क्या करती है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, पर्वत का, भूकंप का, ज्वालामुखी का या फिर नदियों का। तो जो सिस्मोग्राफी है वो किसका विज्ञान है, वो भूकंप का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन संकेंद्रण कहाँ होता है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन संकेंद्रण कहाँ होता है, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है, अच्छा इसका आंसर है ना आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, कहाँ पर करना आपको, कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।